हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द करवा चौथ का फेस्टिवल आने वाला है और मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, प्लस उसके साथ ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में भी हैं कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी में व्रत रखना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन लोगों को ट्विन प्रेगनेंसी में व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी में कोई भी गंभीर बीमारी है, जैसे कि आपको डायबिटीज की शिकायत होना, क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना, क्या फिर आपको शुगर की प्रॉब्लम होना, और इसके अलावा अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी में कोई भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस है, इसके अलावा अगर आपके अंदर ब्लड की कमी है या पानी की कमी है, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट रहते हैं, आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी कम है और आपके बेबी का अच्छे से डेवलप भी नहीं हुआ है, आपको बार बार आपकी यूरिन में इंफेक्शन होने की शिकायत है, तो ऐसी कंडीशंस होने पर आपको बिल्कुल करवा चौथ का व्रत अवॉइड करना है, बिकॉज ये हर साल आता है और आपकी ये प्रेगनेंसी बार बार नहीं आएगी। और ऐसी सिचुएशंस में आपको डॉक्टर बिल्कुल अलाउड नहीं करते हैं। अगर आप नहीं मानते हो तो आप इन कॉम्प्लिकेशंस को, इन प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, तो आप भावनाओं में आकर बिल्कुल भी कोई भी गलत डिसीजन ना लें। आप आराम से बिल्कुल नहा धोकर एंड अच्छे से तैयार होकर बिल्कुल पूजा पाठ कर सकते हैं एंड अच्छे से भगवान से प्रार्थना करिए कि आप और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सही रहे, आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की दुविधा अपने मन में ना रखें। एंड इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या सेकेंड ट्राइमेस्टर है या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर है। कुछ लोगों का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि शुरू से ही उनको बहुत ज्यादा उल्टियां होना, बहुत ज्यादा चक्कर आना, थकान होना, घबराहट होना, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे में भी आपको करवा चौथ का व्रत बिल्कुल अवॉइड करना है, बिकॉज अगर आप ऐसे में बिना कुछ खाए पिए रहती हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, इससे आपको भी दिक्कत होगी, प्लस आपके अंदर जो बेबीज हैं उनको भी दिक्कत होगी, तो आप ऐसे में बिल्कुल ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि कौन सी महिलाएं ट्विन प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत नहीं है और आपको अच्छे से भूखा रहने की भी आदत है, ठीक है, आप आराम से मैनेज कर पाएंगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आप बिल्कुल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर जो है सुबह 4 बजे उठकर सर्गी लेने का नियम रहता है और कुछ लोगों के यहाँ पर नहीं भी होता है। अगर आपके यहाँ सर्गी लेने का नियम है तो आप बिल्कुल उसको लीजिएगा, अवॉइड मत करिएगा। सर्गी में आप जो भी चीजें लेती हैं ऐसी चीजें ना लें जिनसे आपको बार बार प्यास लगे, जैसे कि आपको तला भुना बिल्कुल अवॉइड करना है। आप सर्गी में जो है एक बड़ा गिलास दूध लीजिए, आप मेवा ले सकते हैं, आप फ्रूट ले सकते हैं, आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, एंड इसके साथ ही आप हाई प्रोटीन वाली डाइट ले सकते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, पूरा दिन जो है भूखा रहने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आप पूरे दिन निर्जला व्रत रहती हैं बिना कुछ खाए पिए तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं? आपका सिर दर्द हो सकता है, आपके गैस बन सकती है, आपका बीपी बढ़ सकता है, आपका शुगर भी बढ़ सकता है, बिकॉज आपकी जो बॉडी होती है वो खाली पेट रिएक्ट करती है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम महसूस होती है तो प्लीज आप खाने पीने में बिल्कुल भी संकोच ना करें, आप बिल्कुल भी उस व्रत को लंबा खींचने की गलती ना करें, आप प्रभु का नाम लेकर बिल्कुल खा सकती हैं, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है सभी के साथ हो, बट किसी किसी के साथ हो भी सकता है, तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। और अगर आपको लगता है कि मैं बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन नहीं रह सकती हूँ, स्पेशली ट्विन प्रेगनेंसी में, तो आप जो है नारियल पानी ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, आप फ्रूट ले सकते हैं, पानी अच्छी मात्रा में ले सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आराम से अपना व्रत मैनेज कर पाएंगे। आप खाना बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, आप रात में जब भी पूजा करने के बाद व्रत तोड़ते हैं तो आपको तुरंत ही बहुत सारा एकदम से खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाना है, इससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। आप कोशिश करें पहले नारियल पानी लें या फिर आप पानी पिएं, उसके बाद ही आप आराम से थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने भी ट्विन प्रेगनेंसी में निर्जला व्रत रखा था और सर्गी वगैरह भी कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी और उसका एक सबसे बड़ा रीजन था मेरी प्रेगनेंसी में कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं थे। अगर आप व्रत रहते हैं तो उस दिन आपको ज्यादा नहीं बोलना है एंड ना ही बहुत ज्यादा काम करना है और ना ही उस दिन आपको कोई भी मार्केट वगैरह करनी है, बिकॉज अगर आप करती हैं तो आप ऑलरेडी फिर अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा थकाएंगी, फिर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जो भी शॉपिंग वगैरह कुछ भी करना है आप 2 दिन पहले ही करके रखें, व्रत वाले दिन बिल्कुल भी ना करें। जितना हो सके अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा उस दिन आराम दें ताकि आप आराम से पूरा दिन मैनेज कर पाए। आई होप आपका
डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।